सब्सक्राइब कीजिए पीवी न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं परेश पीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा और वो ट्रिक क्या है आप अभी सामने देख लीजिए। मैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो ये एप्लीकेशन मेरे फोन में ओपन ही नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं प्ले स्टोर ओपन करने जा रहा हूँ तो मेरा प्ले स्टोर ओपन होती है मुझे यहाँ पे एक एरर दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं सेकंड नंबर का एप्लीकेशन गूगल क्रोम ओपन करने जा रहा हूँ तो वो वहां पे भी मुझे सेम तरह का एरर दिख रहा है। तो वहां पे उसके बाद मैं ओपन करता कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर भी ओपन करते ही मुझे यहाँ पे सेम तरह का एरर दिख रहा है। जैसे कि कैलकुलेटर को क्लोज कर दिया, फोन को ओपन करने की कोशिश की मैंने तो मुझे वहां पे भी एक ही एरर दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने फाइल मैनेजर ओपन करने की कोशिश की तो मुझे वहां पे भी एक ही एरर दिखाई दे रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, मेरे फोन में क्या प्रॉब्लम हो गया ये आपको लग रहा होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे फोन में मैंने ऐप लॉक लगा के रखा है। तो ये ऐप लॉक कैसा है आप देखिएगा। मैं कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करने जाता हूँ, सपोज प्ले स्टोर ओपन करने जाता हूँ तो प्ले स्टोर ओपन करते ही मुझे यहाँ पे बोल रहा है एप्लीकेशन एरर। तो ये भाई आप बोलोगे कि भाई ये किस तरह का एप्लीकेशन एरर का किस तरह का ऐप लॉक आपने लगाया है। तो मैं यहाँ पे देखिएगा, मेरा वॉल्यूम का बटन मैं दो बार ऊपर का एक बार नीचे का दबाता हूँ, मेरा फ़ोन हो जाएगा अनलॉक, मेरा एप्लीकेशन हो जाएगा अनलॉक। देखिए मैं दबाता हूँ दो बार, उसके बाद एक बार देखिएगा मेरा प्ले स्टोर हो गया ओपन। और उसी तरह का एप्लीकेशन लॉक मैंने इन सभी एप्लीकेशन को भी लगा के रखा है। जैसे मैं यहाँ पे माय फाइल्स को ओपन करता हूँ वहाँ पे मुझे यहाँ पे सेम टाइप का एरर दिखेगा, लेकिन मैं दो बार मेरा वॉल्यूम का बटन ऊपर का एक बार नीचे का दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, एक दो तीन, इसके बाद ये मेरा एप्लीकेशन हो गया अनलॉक। तो इसी तरह का लॉक आपको भी लगाना होगा आपके फोन में, कुछ यूनिक तरह का लॉक है, आज तक आपको किसी ने ये बताया नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, इसमें मैंने सब कुछ जानकारी आपको दी और एप्लीकेशन का सेटअप कैसे करना है, ऐप लॉक को यूज कैसे करना है, सब कुछ जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली इसको यूज कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो आपको सिंपली आपके प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर में जाके आपको एक एप्लीकेशन सर्च करना है उप्स एप्स लॉक। तो इस लॉक को आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते ही आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करने हैं तो इसका यहाँ पे सेटअप कैसे करना है ये पूरा ध्यान से आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ रही है उसको आपको पढ़ लेना है ठीक से, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे स्वाइप करते जाना है आपके फोन में। लास्ट स्टेज पे आपको यहाँ पे पूछेगा सेट योर पासवर्ड। तो यहाँ पे सेट पासवर्ड पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई जाते हैं, 2, 3, 4, 5। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको आपकी वॉल्यूम का बटन कितनी बार दबाना है, ये आपको 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार आपको ये दबाना है। तो यहाँ पे मैं 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। 3 सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कन्फर्म। आपको इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आता होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक हियर टू वॉच वीडियो, इस पे जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा। वो वीडियो वॉच करने से आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी कि आपको एक ऐसा सेटअप करना है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, मैं आपको यहाँ पे सभी डिटेल जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पे 3 पे क्लिक करते हो उसके बाद सिंपली आपको 3 सिलेक्ट करने के बाद 3 बार आपके वॉल्यूम अप डाउन बटन दबा लेने, आपको ये पहले फिक्स कर लेना है या आपको अप के बटन दबाने या वॉल्यूम डाउन के बटन दबाने। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 बार वॉल्यूम अप दबाऊँगा और 1 बार वॉल्यूम डाउन दबाऊँगा। तो यहाँ पे मैं दबा देता हूँ 1, 2, उसके बाद मैं अभी डाउन का दबा देता हूँ 1, इसके बाद इसको फिर से कंफर्म कर लेना है 1, 2, उसके बाद मैं डाउन का 1 दबा देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन का हमें एक आंसर दे देना है, क्योंकि सपोज आप कभी कभार आपका पासवर्ड सपोज भूल गए तो ये पासवर्ड रीसेट करने में हमारा ये क्वेश्चन मदद करेगा। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एकाधिक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप उसका आंसर दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, उसके बाद ये आंसर दे देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ये आंसर दे दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिया सेटअप। सेटअप पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपने जो यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया है वो पासवर्ड यहाँ पे आप डालिएगा। तो मैंने वहाँ पे 2 बार ऊपर का बटन दबाया था और 1 बार नीचे का बटन दबाया था। तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 बार ऊपर का बटन दबा देता हूँ, 1 बार नीचे का बटन दबा देता हूँ। जैसे मैं इसको दबा देता हूँ तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। एप्लीकेशन का इस तरह का इंटरफेस होने के बाद आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। यहाँ पे जैसे मैं ऑन पे क्लिक करता हूँ, ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद ये एप्लीकेशन
एप्लीकेशन ढंग से काम करने लग जाएगी। ये हमने यहाँ पे परमिशन दे दी है। परमिशन देने के बाद आप अभी यहाँ पे आपके फोन में जितनी भी एप्लीकेशन अवेलेबल है सभी की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। आपको जो एप्लीकेशन चाहिए उस एप्लीकेशन का आप यहाँ पे लॉक लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन लॉक लगाने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस कुछ अलग अलग टाइप का दिखेगा। तो वो कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन लॉक ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक एप्लीकेशन ले लेता हूँ, उसको लॉक लगा के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं एक प्ले स्टोर का एप्लीकेशन, इसको मैंने लॉक लगा दिया। यहाँ पे आपको तीन नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट और कस्टम। यहाँ पे हम ब्लैक पे क्लिक कर लेंगे। ब्लैक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्ले स्टोर ओपन करके देखते हैं यहाँ पे क्या दिखता है। जैसे मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पूरी ब्लैक हो जा रही है। और यहाँ पे सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये क्या दिखाता है मैं अभी आपको बता दूँ। एप्लीकेशन का एक और खासियत मुझे ये लगी कि एप्लीकेशन जैसे ही कोई भी बंदा ओपन करेगा तो उसको नोटपैड जैसा ये एप्लीकेशन दिखेगा। इसमें आप कुछ भी टाइप करके सेव कर सकती है। जैसे आप आपका पासवर्ड यहाँ पे एंटर करते हो तो आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। मैं दो बार मेरा वॉल्यूम का बटन दबा के यहाँ पे उसको ओपन कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंट पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं ट्रांसपेरेंट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं प्ले स्टोर को ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देता है, यहाँ पे एक इमेज दिखाई देती है जो प्ले स्टोर में मैंने पहले ओपन की थी, वही इमेज यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। और ये इमेज में मैं जहाँ पे भी कहीं पे क्लिक करता हूँ वो इमेज ओपन ही नहीं होती, कुछ हिलती ही नहीं है, वहाँ पे कुछ भी टच करूँ तो वो कुछ काम नहीं करता। सामने वाला बंदा जब आपका मोबाइल लेगा तो उसको लगेगा ये एप्लीकेशन हैंग हो गई, ये फ़ोन हैंग हो गया, इसकी वजह से ये ऐसा काम कर रहा है। और तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो मुझे बहुत पसंद आया और उसकी वजह से मैं ये एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आप कस्टम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको आपके मेमोरी कार्ड में ये एप्लीकेशन लेके जाएगा। मेमोरी कार्ड में जैसे ही एप्लीकेशन आपको लेके जाएगा तो एप्लीकेशन को आपको एक इमेज दे देनी है। जैसे ही आप वो उसको एक इमेज देते हो तो वो इमेज डायरेक्टली आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वो इमेज ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। देखिएगा मेरा फ़ोन में यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ। इमेज लेने के बाद मैं यहाँ पे उस इमेज को सेट कर देता हूँ। जैसे मैं इमेज को सेट करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज आ रहा है, एप्लीकेशन एरर। तो इस तरह की इमेज यहाँ पे दिखाई देगी सामने वाले को, तो सामने वाले को लगेगा कि ये एप्लीकेशन ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये एप्लीकेशन क्रैश हो गई, ये एप्लीकेशन ढंग की नहीं है, इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो सामने वाला बंदा आपका फ़ोन लेके भी कुछ नहीं कर पाएगा उसके आपके फ़ोन में। तो आप बेझिझक होकर आपका फ़ोन किसी को भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, वो आपके फ़ोन में कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो ये सीक्रेट ट्रिक थी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।